हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है बालम खीरा। बालम खीरा आपको इसके ऊपर जो है वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों, आप देख लीजिए, पहचान कर लीजिए, ये है सड़क के किनारे आपको ये पौधा आसानी से मिल जाएगा। ये पौधा वैसे तो आप सोचेंगे कि ये नहीं छाया के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या इसके ऊपर लगे हुए यह खीरा जो दिखाई देता है आपको, इसे बालम खीरा बोलते हैं। और ये आपको सड़क के किनारे पौधों पर लगा हुआ दिखाई देगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यदि दोस्तों आप पूरा जानना चाहेंगे तो आप हमारी वीडियो पूरी देखें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कुछ ना कुछ लिखिए दोस्तों, ताकि हमें पता लग सके आप हमारी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। और मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, देख लीजिए, पहचान कर लीजिए। वैसे तो आमतौर पर इसको जो है एक छाया के वृक्ष के तौर पर ही देख रहे हैं लोग, लेकिन इसके फ़ायदे के बारे में नहीं जानते। इसके फ़ायदे की बात की जाए दोस्तों, इसके फ़ायदे बहुत हैं। आप देख लीजिए, पहचान कर लीजिए, लटके हुए मिलेंगे आपको जहाँ भी मिले। यदि आपके दोस्तों पेट की समस्या है, पेट आपका साफ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप जो है इस पर सिंधा नमक लगाकर खा लीजिए, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यदि दोस्तों आपके बालों में कोई दिक्कत है, जैसे दो दो मुंह के बाल हो जाते हैं, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें बहुत ज़्यादा होती है, पानी की वैल्यू बहुत ज़्यादा, पानी इसमें अधिक होता है, इसलिए जो है यह सिर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सिर में किसी प्रकार की समस्या है, जैसे खारिज होना, इसका रस निकाल कर आप पूरी तरीके से नहाने से पहले आधा घंटा पहले लगाएं और आपका जो है ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको जो नामर्दी की समस्या है या आपको सेक्स की समस्या है, तो उसके लिए तो यह रामबाण का काम करता है। उसके लिए आपने क्या करना है, इस खीरे को आप जो है तोड़कर घर पर ले आएँ और इसको जो है उसका रस निकालिए। रस निकालने के बाद आप जैतून के तेल में मिक्स कीजिए और जैतून के तेल में मिक्स करने के बाद जो है आप इसको यूज़ कीजिए। आप अपने हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए और उससे जो है आपको बहुत जल्दी, यानी कि आपने जैतून के तेल में इसका रस मिलाना है और इसका रस मिलाने से उसके बाद इसकी मसाज करनी, अपने मसाज करनी है। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्द बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और दोस्तों, इसका बीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेक्स पावर के लिए। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।